वेलकम टू क्रिक किंग। भारतीय टीम दूसरे अपने वार्म अप मैच के लिए जो कि उनका नीदरलैंड्स के खिलाफ 3 अक्टूबर को खेला जाएगा तिरुवनंतपुरम में, जो कि केरला की स्टेट पे अंदर खूबसूरत क्रिकेट ग्राउंड है, वहाँ पे पहुँच चुके हैं। और टीम के पहुँचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। जब वो गाड़ी से उतरे तो उस वक्त तमाशाइयों की एक लंबी लाइन लगी हुई थी, और सेल्फीज क्या, तस्वीरें क्या, और हर एक ने अपने अपने मोबाइल फ़ोन ऑन कर रखे थे। हेड कोच राहुल ड्रेविड उनके साथ, अश्विन जिनको जो है वो चांस मिला है अभी जो ख़ास तौर पर इंजरी का शिकार हुए उनकी जगह पर, और इसी तरह जो है वो शुभमन गिल ख़ास तौर पर तवज्जो का मरकज़ बने हुए थे, जो कि इस वक्त सुपर डुपर इनिंग्स खेली जा रहे हैं, दागी जा रही हैं। कप्तान रोहित शर्मा उनको स्पेशल सिक्योरिटी के साथ और हिसार के अंदर जो है वो गाड़ी से उतारा, और फिर उसके बाद होटल की तरफ उनको रवाना किया गया, लेकर गए गए। और ख़ास तौर पर इसमें ये था कि मन्नतें उतारी और सबको जो है वो बिंदियाँ लगाई गई, और सिंदूर जिसको कह सकते हैं, तो ये वो हिंदू जो की रस्म है वो सारी अदा की गई। रोहित शर्मा जो कप्तान भारतीय क्रिकेट टीम में के, तो वो ख़ास तौर पर तवज्जो का मरकज़ थे। 3 अक्टूबर को ग्रीन फील्ड उसके अंदर ये मैच खेला जाएगा, और तिरुवनंतपुरम के इस ग्राउंड के अंदर। और भारत का जो पहला वार्म अप मैच था इंग्लैंड के खिलाफ वो बारिश की नज़र हो गया, एक बॉल भी नहीं हो सकी। और उसके बाद अब भारत को अपने वार्म अप मैच खेलने के लिए जो है वो दुआएं कर रहे हैं, और वो इस ख्वाहिश कर रहे हैं कि हमारा वार्म अप मैच अच्छा हो जाए, ताकि इम्प्रेशन बेहतर हो जाए। और उसके साथ साथ जो है एशिया कप जीती हुई ये टीम है, लेकिन उसके साथ साथ चूँकि इवेंट चेंज है, केएल राहुल है ये भी बिंदियाँ लगवा रही हैं, संदूर अपने जो है वो संदूर कह लें या वो एक रस्म वो अदा कर रहे हैं। ये स्काई के नाम से सुरेश कुमार यादव, और ये 360 के नाम से मशहूर है। अब देखना यह है कि इस नई मंजिल के ऊपर इंडियन टीम की क्या कारकर्दगी होती है, और फिर जब काम शुरू हो जाएगा तो फिर उसके बाद इनका कैसी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी, अपने कमेंट्स और अपने जो है वो रिप्लाई ज़रूर दीजिएगा, हमें उसका इंतज़ार रहेगा। हम आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लेने के लिए रेडी हैं। थैंक यू।